गोवा में रशियन पार्टी कब, कहां और कैसे होती है, या फिर ये कहें कि गोवा में रशियन पार्टी का पता कैसे करें कि किस जगह पर पार्टी हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक रेप पार्टी जैसा माहौल आपके सामने दिख रहा है। तो गोवा में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, बीच पार्टी से लेके रेप पार्टी तक। और अगर आप लोग भी रशियन लोगों के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आप लोग हमेशा पूछते हो कि गोवा में रशियन कहाँ रहते हैं, गोवा में रशियन कहाँ पर मिलेंगे, गोवा में रशियन कहाँ मिलती है, गोवा में रशियन कैसे मिलती है, गोवा में रशियन कैसे बुक करें, गोवा में रशियन कहाँ है, गोवा में रशियन गर्ल कैसे मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन के हल आपको मिल जाएगा। तो आज का मेन एम है, मेन मुद्दा है कि गोवा में रशियन पार्टी का पता कैसे करें, या फिर रशियन पार्टी का पता कैसे लगाएं कि ये रशियन की सीक्रेट पार्टी कहां पर हो रही है, क्योंकि ये रशियन लोग जो पार्टी करते हैं बिल्कुल सीक्रेट है। और इस सीक्रेट पार्टी में क्या क्या होता है आप लोग समझ सकते हो ना, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक रशियन सीक्रेट पार्टी चल रही है आपके सामने और आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे रशियन लड़के लड़कियाँ और बहुत कुछ यहाँ पे होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोवा में अगर रशियन पार्टी का एंजॉय करना चाहते हैं तो गोवा के अरंबोल में जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी रशियन पार्टी अरंबोल में ही होती है। तो सीक्रेट पार्टी ऑफ अरंबोल बीच आप लोग सर्च करते हो, या फिर अरंबोल में रशियन पार्टी कहाँ होती है आप लोग ये भी पूछते हो, तो अगर ये जानना है ना तो आपको पहले कहाँ जाना पड़ेगा। जैसा कि देख रहे हो कि मेरे साथ ही सारे रशियन बैठे हैं, केवल मैं इंडियन हूँ और ये मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। तो गोवा में जब आप जाते हो तो जिस रेस्टोरेंट में रशियन जाते हैं आप उसमें जाना, उसमें जाने के बाद आपको ऐसे कार्ड दिखेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये ऑल अबाउट आर्ट, मलस्तेसिया पार्टी, बोंजी केक्स, ये सब रशियन पार्टी हैं और इनमें इंडियन लगभग ना के बराबर होते हैं। जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो मैं हमेशा एक ही काला बंदा होता हूँ और सब गोरे ही रहते हैं। तो आपको एक तो रशियन पार्टी का पता कैसे पता चलेगा, एक तो रेस्टोरेंट में जाके जहाँ पे रशियन खाना खाते हैं, दूसरा बीच में अरंबोल बीच में जो टेबल लगी रहती हैं बीच साइड जहाँ पे सब बैठते हैं, उन टेबल पे आपको ऐसे कार्ड रखे हुए दिख जाएंगे। तो गोवा में जब भी आपको ऐसे कार्ड रखे हुए दिखे अरंबोल साइड एंड मॉन्ड्रेम साइड, तब आप उनको ले लो। और इस कार्ड में आपको पूरी जगह लिखी रहती है, प्लेस लिखा रहता है, गूगल मैप भी रहता है, कब और कितने बजे भी लिखा रहता है। तो गूगल मैप की सहायता से आप आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैंने मलस्तेसिया पार्टी को ज्वाइन किया था, बहुत मजा आया था गोवा में। तो आप भी ऐसी रशियन पार्टी या फिर रशियन सीक्रेट पार्टीज ज्वाइन कर सकते हैं मेरे जैसे। अभी एक और चीज है, इन रशियन पार्टी में जाने का एंट्री फीस होता है जैसा कि नाइट क्लब पब एंड बार में होता है, बट उतना ज़्यादा एंट्री फीस नहीं होता है, लगभग 200 से 300 रुपए या फिर मैक्सिमम 500 रुपए होता है एंट्री फीस। लेकिन यहाँ पे आके ना आप इन रशियन पार्टी में आके 200-300 से ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आप लोग हमेशा पूछ रहे थे हाउ टू फाइंड रशियन पार्टी इन गोवा, बेस्ट रशियन पार्टी इन गोवा, रशियन सीक्रेट पार्टी इन गोवा। तो अब आपको पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।